आपके संज्ञान में एक बहुत गंभीर मसला इस विषय से जुड़ा हुआ लाना चाहता हूँ। सीएजी इस देश की सबसे ज़्यादा सम्मानित संस्थाओं में से एक है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन की वजह से भी और जनता के दिल में जो सीएजी के प्रति सम्मान है, क्योंकि इस सीएजी में आदरणीय विनोद राय जी जैसे लोग इसके चीफ रहे हैं। इसमें कोयला से लेके बिजली घोटाले और जाने कितने घोटालों का पर्दाफाश इस सीएजी की वजह से देश में हुआ है, कॉमनवेल्थ घोटाला। वो सीएजी की रिपोर्ट, आपने स्वयं अपने अभी वक्तव्य में कहा कि जब वो एक रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको सदन पटल पे रखना चाहिए, सदन पटल पे आनी चाहिए वो। ये उस सीएजी की रिपोर्ट की गरिमा है कि वो सदन पटल पे प्रस्तुत हो, और ये सदन की गरिमा है कि सीएजी द्वारा तैयार सरकार के कामकाज के विषय में कोई भी रिपोर्ट हो तो वो सबसे पहले सदन के पास आनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ कि जिसकी बात की जा रही है, 24 तारीख को शाम को 5:30 बजे मेरे दफ्तर में वो रिपोर्ट सीएजी की प्राप्त हुई है, और उसके पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष उसके बारे में बात भी कर रहे थे। उसके पहले दिल्ली सरकार और सीएजी के अधिकारियों के बीच कुछ करस्पॉन्डेंस है, सीएजी का अनुरोध है कि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखी जाए, दो अधिकारियों के बीच में करस्पॉन्डेंस है। जब वहां से कंफर्मेशन हो गया कि इसको सदन के पटल पर रखना है और ये कंप्लीट रिपोर्ट जैसी है, क्योंकि पहली बार एक पार्शियल रिपोर्ट तैयार हुई है विधानसभा के 23 साल के इतिहास में दिल्ली सरकार के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी कुछ हिस्से के बारे में एक रिपोर्ट तैयार हुई है, पार्शियल रिपोर्ट इसको कह सकते हैं, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को सीधे सदन पटल पर आना चाहिए था एक गरिमा के साथ में, यहाँ पे उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, यहाँ अगर आपकी अनुमति होती तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं तो उसको हमारी कमेटी को चले जाना चाहिए था, वहाँ उससे जो उसके बाद की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अधिकारियों ने हमारे पूछा भी उनसे, सीएजी से, कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए कहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। फिर उन्होंने कहा कि इसको एक कंप्लीट रिपोर्ट मान के रखने की जरूरत है, तो अधिकारियों ने तुरंत इसको 24 तारीख को शाम को 5:30 बजे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। मेरे समक्ष आने तक वो रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय सीएजी के लिफाफे में बंद थी, सीएजी की उस पर सील लगी हुई थी। अब यहां सवाल ये उठता है, आपने स्वयं जिक्र किया कि मीडिया में जा रही है, मीडिया में, अखबारों में छप रहा है, कुछ विशेष पत्रकार जो आम आदमी पार्टी के हर पानी पीने पे, छींकने पर, इन सब पे भी नेशन 1-2-9 चलाते हैं, उनके पास भी वो रिपोर्ट थी, होगी। अब पत्रकारों से तो हम क्या कह सकते हैं, पत्रकारिता को भी स्वतंत्र रहना है, पत्रकारिता की भी अपनी गरिमा है। लेकिन इस सदन में नेता प्रतिपक्ष ने बात रखी, सीएजी की रिपोर्ट आई है, चलिए उनके पास हो सकता है पत्रकारों से सूचना हो, उनके पास हो। लेकिन 24 तारीख को नेता प्रतिपक्ष की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, और उस प्रेस रिलीज में बाकायदा बताया गया है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है, उसमें पैरावार जानकारी दी गई है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन के समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ दिस हाउस है, ये इस हाउस का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है माननीय नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि ये रिपोर्ट 3 लोगों के पास थी, या तो सीएजी के पास थी, या ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी, या दिल्ली सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी के पास थी। फाइनेंस सेक्रेटरी पर इस सरकार को भरोसा है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमें सीलबंद रिपोर्ट दी है, सरकार को उपलब्ध कराई है 24 तारीख को शाम 5:30 बजे। फिर ये रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष के पास किस सोर्स से पहुंची है, नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहिए इस हाउस को। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है इस हाउस का। सीएजी ने रिपोर्ट दी या ऑनरेबल एलजी के यहां से इनको मिली, इन्हें बताना चाहिए इस बात को लेकर, जवाब देना चाहिए अध्यक्ष महोदय इस बात का। ये इस हाउस को, इस हाउस की मर्यादा का सवाल है। हाउस में जो रिपोर्ट सीधे आनी चाहिए थी वो नेता प्रतिपक्ष के पास कैसे आ रही है, ये कौन सा रैकेट चल रहा है सीएजी रिपोर्ट का, ये कौन सा रैकेट काम कर रहा है देश में। सीएजी रिपोर्ट बनाई जाती है, नेता प्रतिपक्ष को दी जाती है, नेता प्रतिपक्ष को किसने रिपोर्ट दी है, जो रिपोर्ट इस सदन में रखी जानी चाहिए थी, इस सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष रखी जानी चाहिए थी, उस पर नेता प्रतिपक्ष प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी करके इस सदन की मर्यादा को, गरिमा को ठेस लगाई जा रही है। विजेंद्र जी आप घिरे हुए हो इस मामले में,
बहुत जबरदस्त घिरे हुए मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास भी आया हुआ है। आप बहुत बुरी तरह से, हाँ बहुत बुरी तरह से घिरे हो। सीएजी की रिपोर्ट को, सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पे रखने से पहले एक सदन का सदस्य लीक करता है। सवाल सिर्फ जवाब देने का नहीं है, किसने लीक किया ये रिपोर्ट? सवाल सिर्फ जवाब देने का नहीं है, सवाल इस सदन। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, चाय का समय, आज भी समय बहुत खराब हुआ है, और उस चाय के समय को कुर्बान करें। बहुत बहुत वो अब जारी, सदन की कार्रवाई जारी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, ये सवाल सिर्फ किसी एक सदस्य का या माननीय नेता प्रतिपक्ष का या मुख्यमंत्री मंत्री का जवाब देने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो रिपोर्ट इस सदन में गरिमा के साथ आनी चाहिए थी, उस सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हुए, उसकी मर्यादा को भंग करते हुए, इसको पहले प्रेस को रिलीज को कैसे दिया गया? ये इस सदन के का अपमान है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस मामले में। यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ इस मामले में। नहीं, गंभीर मामला है विजय जी, बहुत गंभीर। नहीं, मैं कह रहा हूं,